साइबर सिटी गुरुग्राम इन दिनों सांपों की चपेट में आ गया है। हर रोज रिहायशी इलाकों में सांप मिल रहे हैं। कभी किचन में, कभी ऑफिस में सांपों का मिलना अब आम सा हो गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वन संरक्षक इन सांपों को पकड़ने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये सांप जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोबरा कैटेगरी का सांप है जो एक घर के अंदर घुस आया था और कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ में आया। अब आप दूसरा सांप देख रहे हैं, ये गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों के पास पाया गया था। वहीं अब आप छिपकली जैसा दिखने वाला जीव देख रहे हैं। ये कोई छिपकली नहीं है, बल्कि ये खतरनाक घवेरा की प्रजाति है, जिसके काटने से लोग मरते तो नहीं हैं, मगर इसके काटे जाने का भय इतना होता है कि लोग सदमे से ही मर जाते हैं। वन्य जीव संरक्षक विभाग के अधिकारियों की माने तो बीते 3 महीने में अब तक 400 से ज्यादा सांपों को बचा चुके हैं। भारतवर्ष में जब मानसून आने से पहले तब इनका प्रजनन शुरू हो जाता, तो तकरीबन 3 महीने में मैं अपने हाथों से लगभग 400 रेस्क्यू कर चुके हूँ, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के सांप मॉनिटर लिजर्ड आती हैं। गुरुग्राम में पकड़े गए सांपों में 150 कॉमन सांप, 100 रेड सांप, 30 ब्लैक हेड सांप, 60 कोबरा सांप, 50 कॉमन करेट सांप, 15 वॉल्फ सांप और 50 अजगर प्रजाति के हैं। पिछले साल के मुताबिक इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इन सांपों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सांपों की संख्या में बढ़ोतरी होने से गुरुग्राम के लोग अब खौफ में हैं और अपने बच्चों को खुले में खेलने के लिए भेजने से भी गुरेज कर रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।